हाँ ऑल योर्स, चालू हो जाए। ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एआई क्लब. माय नेम इज उद्देश सोमन फ्रॉम बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज. आज हम लोग 450dsa.com के जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसका मॉड्यूल 7 है, बाइनरी सर्च ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 0 to 10 हम पिछले सेशन में देख चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 11 to 21 आज मैं आपको बताने वाला हूँ. तो स्टार्टिंग विद दिस, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ. तो हमारा बाइनरी ट्री बनाने का तरीका सेम रहेगा. एक नोड क्लास रहती है जिसमें भाई तुम बाइनरी जूम करना भूल जाते हो। बोल करो, जूम सर किया हो करो ना जूम वन और थोड़ा फिफ्टी करो, अच्छा और कर सकते हो ना। हाँ सर, वो मतलब हाँ बस ठीक है ठीक है ठीक है टेक्स्ट ठीक। बाहर चला जाएगा. तो हमारे पास एक नॉर्मल नोड क्लास बना के रखी है हमने, जिसमें हमें जो भी हम नोड बनाते हैं उस नोड का वैल्यू और उसके लेफ्ट में कौन सा नोड आ रहा है और राइट में कौन सा नोड आ रहा है, ये तीन इन्फॉर्मेशन हमारे पास स्टोर हो जाती है. तो उससे हम बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं. नॉर्मल हमारा बाइनरी सर्च ट्री का वही इंसर्ट फंक्शन है. हम इंसर्ट फंक्शन है जिसमें अगर वैल्यू छोटी है, किसी गिवन नोड की वैल्यू से छोटी वैल्यू आती है तो वो लेफ्ट में चली जाएगी, अगर गिवन वैल्यू की गिवन नोड की वैल्यू से बड़ी वैल्यू आती है तो वो राइट में चली जाएगी. ये सिंपल, इसको रिकर्जन कॉल इसलिए लिखा है ताकि लोअर लेवल्स तक के भी आपकी वैल्यू आ जाए और इंसर्ट हो जाए. फिर उसके बाद है इन ऑर्डर. तो ये नॉर्मल जो हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल रहता है उसको प्रिंट करने के लिए है. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल पहले लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में जाके लेफ्ट मोस्ट वैल्यू को प्रिंट कराएगा, फिर पेरेंट नोड लेफ्ट वैल्यू का जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू का पेरेंट नोड है उसको प्रिंट कराएगा और उसके बाद राइट वैल्यू को प्रिंट कराएगा. ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल रहता है. ये भी हम ऑलरेडी देख चुके, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ. ये ना बाइनरी सर्च ट्री हमारा टास्क है कि हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है विदाउट डूइंग एनी मॉडिफिकेशन इन बाइनरी सर्च ट्री. तो जो भी हमारा बाइनरी सर्च ट्री है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं करना है, बट kth लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ लार्जेस्ट एलिमेंट उसको निकालना है हमें. तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये वाला BST लेते हैं. इसमें अगर हमें बोल दिया जाए कि थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इसमें 7 हो जाएगा. 7 कैसे, कि आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सारे नोड्स ले लिए और जो भी पीछे से तीसरे नंबर पे पॉइंट है, लास्ट से थर्ड नंबर पे जो भी आपका नोड आएगा वो आपका थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कहलाएगा. तो उसी तरीके से हम इसको चलाते. तो हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखा है, हमें पता है कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है. तो हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को एक लिस्ट में निकाल देते हैं. ये एरे लिस्ट एक लिस्ट पास कर दी है और हर बार जब भी आपका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हो रहा है तो वो अपेंड कर देगा. हम लोग पहले लेफ्ट में आएंगे, ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को लेफ्ट में कॉल करेंगे. लेफ्ट में कॉल करते करते वो फाइनल जो बिल्कुल लास्ट का लेफ्ट नोड है वहां तक पहुंचेगा और उसको क्या होता है तो अपेंड कर देगा, उसको अपेंड कर देगा. फिर उसके बाद उससे पिछले एक नोड पे चला जाएगा जो पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड पे चला जाएगा, उसको अपेंड करा देगा, फिर राइट पे आएगा. तो राइट पे आके राइट के नोड की वैल्यू को भी अपेंड करा देगा. तो अगर मैं इस एग्जांपल से बताऊं तो अगर हम इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाते हैं तो ये लेफ्ट लेफ्ट कॉल होते हुए यहाँ तक आया, इसका जब आपको रिटर्न मिलेगा तो ये 3 पे चला जाएगा. 3 पे जाके 3 को ऐड करा लेगा, 3 को ऐड करा के फिर उसके बाद राइट में आ जाएगा. राइट में इसको 4 मिला, 4 को ऐड करा लेगा. फिर इसके रिटर्न कॉल में ये 5 तक पहुंच जाएगा. 5 तक पहुंच के 5 को ऐड करा लेगा, फिर उसके बाद 7 से 6 पे आएगा, 6 को करा के 6 के पेरेंट पे, लेफ्ट पेरेंट राइट ऐसा चलता है ऑर्डर इन ऑर्डर. तो ये लेफ्ट फिर पेरेंट 7 को ऐड कराएगा और 8 को ऐड कराएगा. तो ऐसे आपका जो ट्री है उसकी आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मिल जाएगा. अब आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की लिस्ट मिल गई है तो आप उसका जो kth एलिमेंट है वो लास्ट से निकाल सकते हैं. तो kth एलिमेंट को लास्ट से निकालने के लिए आपको सिंपली लेंथ में से जो भी उसकी लेंथ है आपकी लिस्ट की उसको k से माइनस कर दिया और वो उस एरे का इंडेक्स दे दीजिए. हमने जो लिस्ट बनाई है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया और उस लिस्ट में से आप kth इंडेक्स आप निकाल लीजिए. तो लेंथ माइनस के तो वो आपको एंड से मिल जाएगा, एंड से मिल जाएगा तो वो आपका kth लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा. तो इसमें सिंपल है, आप ये
एक नोड 40, तो 12 और 42 जो है वो पहले नोड बन जाएंगे, फिर 62, 14, तो इससे आपको एक बाइनरी ट्री मिल जाएगा। ये नॉर्मल मैंने इंसर्ट फंक्शन से इंसर्ट करा दिया है, तो आपके जितने भी एलिमेंट्स है वो एक एक नोड बनता जाएगा, और जैसे जैसे उस नोड से छोटी वैल्यू लेफ्ट में जाएगी, बड़ी वैल्यू राइट में जाएगी। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इसका करके देखा, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल इस फॉर्म में आएगी। आपको असेंडिंग ऑर्डर में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मिल गया। अब आपको kth लार्जेस्ट एलिमेंट को कॉल करना, तो ये नॉर्मल आप फंक्शन को कॉल कर दीजिए और उसमें बता दीजिए आपको k की वैल्यू क्या रखनी है। आपको kth लार्जेस्ट निकालना है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, वो आपको जो भी वैल्यू रखनी है वो आप इसमें पास कर दीजिए, तो आपको kth लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ हम देख सकते हैं, अगर हम kth लार्जेस्ट एलिमेंट, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट देखते हैं, तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होता है 59, तो बस हमें 59 ही रिटर्न में मिला है। तो यस, आवर फंक्शन वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें फिर से BST दिया है, उसमें हमें kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है। कि जैसे kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना, तो जैसे हमने लार्जेस्ट एलिमेंट के लिए पीछे से एलिमेंट लिया, इस बार हम सामने से एलिमेंट ले लेंगे। बस इसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि इसकी इंडेक्सिंग जो रहती है वो जीरो से होती है, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग होती तो हमें के में से एक को माइनस कर देना है। जैसे मान लीजिए आपको थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट एक्चुअली इंडेक्स नंबर 2 पे रहेगा, 0 1 2, थर्ड पोजीशन 2 2 इंडेक्स पे आ रही है, तो आपको सिर्फ उसको के माइनस 1 कॉल कर देना है। सेम ऊपर का आप इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की लिस्ट निकाल लीजिए, इधर पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को कॉल करके उसकी लिस्ट निकाल ली है, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की लिस्ट निकाल के माइनस 1 इंडेक्स को रिटर्न करा दिया है। के माइनस 1 इंडेक्स को आप कराएंगे तो आपको यहाँ पे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। तो इसी लिस्ट में थर्ड अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए आपको, तो इस लिस्ट में थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, 14। और अगर आप इंडेक्सिंग से देखेंगे तो थर्ड स्मॉलेस्ट मतलब इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 पे आ रहा है, तो आपको के माइनस 1 डालना है कभी भी इंडेक्सिंग के लिए। अगर आप शुरू से कर रहे हैं, लास्ट से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो जीरो इंडेक्सिंग उसी के साथ एडजस्ट हो जाती है लेंथ फंक्शन के साथ। नेक्स्ट हम आते हैं, हमारे पास दो बाइनरी सर्च ट्रीज दिए हैं और हमें सम पेयर्स निकालनी है। कि आपने N1 से एक नोड सिलेक्ट किया और दूसरा नोड N2 से सिलेक्ट किया, बाइनरी ट्री जो है उसमें से एक नोड सिलेक्ट किया पहले वाले बाइनरी ट्री से और दूसरे वाले बाइनरी ट्री से नोड सिलेक्ट किया। अब उनका सम एक गिवन वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, ये जो गिवन वैल्यू एक्स रहेगी उसके इक्वल होते हैं। ऐसे कितने नोड एग्जिस्ट करते हैं जिनका सम गिवन वैल्यू के इक्वल है। तो हमारे पास ये दो BSTs हैं, BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री। फर्स्ट BST है ये, आप देख सकते हैं 5372468, ये इस तरह का एक BST है। सेकेंड BST 10615038118, ये दूसरा BST। हमें दिया है सम 16, सम इक्वल 16 के लिए कितने पेयर हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तीन है पेयर ऐसे जिनका सम 16 हो सकता है, तो 5 11 6 10 और 8 8, ये हमारे तीन पेयर से जो पॉसिबल है। अब इसको निकालना कैसे है, इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सर्चिंग फंक्शन जो रहता है हमारा, जो बाइनरी सर्च ट्री में सर्चिंग फंक्शन रहता है, सर्चिंग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन ऑर्डर से भी कर सकते हैं, ये दो तीन मेथड्स हैं। तो हम नॉर्मल क्या करेंगे, पहले तो पेयर निकालेंगे। अगर ये एम्प्टी लिस्ट है दोनों के दोनों, तो ऑब्वियस सी बात है आपका एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप खाली ट्रीज के ऊपर लगा नहीं सकते ये मेथड, आपको दोनों ट्रीज में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना। तो उसके लिए अगर दोनों में से कोई भी खाली है तो आप रिटर्न जीरो कर देंगे। अदरवाइज हमने एक पेयर की लिस्ट बना ली, ठीक है, और एक एलिमेंट की लिस्ट बना ली। एलिमेंट मतलब हम हमारे पास ट्री नंबर 1 के सारे नोड्स आ जाएं, तो ट्री नंबर 1 के सारे नोड्स निकालने के लिए R1 एलिमेंट्स। तो ये जो हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके लिस्ट निकालना देखा था वो हमने कर दिया। आप किसी को इन ऑर्डर ले लीजिए, प्री ऑर्डर ले लीजिए, पोस्ट ऑर्डर ले लीजिए, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ एलिमेंट्स की लिस्ट आ जानी चाहिए कि हमारे पास ट्री नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स हैं। उसके बाद इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर ये इन ऑर्डर सर्च लगा दिया, तो इन ऑर्डर ही सारी सारी वैल्यूज को ये सर्च करता चलेगा। इन ऑर्डर सर्च में आपका सेकेंड ट्री आएगा, सेकेंड ट्री में सर्च करेगा,
सेकेंड ट्री में किस वैल्यू के लिए सर्च कर रहा है। ये जो इन ऑर्डर लिस्ट से हमने एलिमेंट्स निकाल लिए पहले ट्री के, तो पहले ट्री के कौन से नोड के लिए सर्च कर रहा है वो चेक कर लेगा, वो इनपुट डालेगा और उस इनपुट के साथ एक्स की वैल्यू कि आपको किस वैल्यू के इक्वल सर्च करना है, दोनों वैल्यूज का सम क्या आना चाहिए वो। और एक एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट है पेयर्स की, तो उसमें पेयर्स जुड़ते जाएंगे। तो इसमें हम इन ऑर्डर सर्च के ऊपर आते हैं, जैसा हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल था वही था, उस सेम वैसे ही लगाया है, बस हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में एक कंडीशन और ऐड कर दी है कि अगर वो जो आप करेंटली जिस भी वैल्यू के ऊपर हैं, जिस भी नोड के ऊपर हैं, उसकी वैल्यू प्लस हमारे हमारी सिलेक्टेड वैल्यू, जो ट्री नंबर वन से हमने जो नोड सिलेक्ट किया उसकी वैल्यू, दोनों का सम अगर एक्स के इक्वल है तो इसको आप पेयर्स में अपेंड कर दीजिए। इन दोनों जो वैल्यूज हैं उनको आप पेयर्स में अपेंड कर दीजिए, पेयर्स जो हमारा लिस्ट है उसमें अपेंड कर दीजिए। अपेंड करना मतलब वो पेयर जुड़ जाएगा, उन दोनों का सम एक्स के इक्वल है तो वो पेयर जुड़ जाएगी। इसके लिए लेफ्ट में सर्च, लेफ्ट में सर्च करा लीजिए, राइट में सर्च करा लीजिए, आपको दोनों में से जिस दोनों साइड सर्च करा लीजिए। अगर आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल नहीं करना तो आप सेम फंक्शन को प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए भी यूज कर सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल के लिए बस यूज के भी यूज कर सकते हैं। बस आपको ये जो स्टेटमेंट है, ये दो लाइन का स्टेटमेंट है, इसको अगर आपने लेफ्ट सर्च के पहले लगा दिया, अगर मैं इसको यहां से हटा के यहां पे कर दूं, तो ये हो जाता है आपका प्री ऑर्डर सर्च। तो आपको प्री ऑर्डर सर्च जिस तरह से चलता है, लेफ्ट लेफ्ट सॉरी पेरेंट लेफ्ट राइट, इस ऑर्डर में चलता है आपका प्री ऑर्डर सर्च, तो वो आपको मिल उस ऑर्डर में मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको पोस्ट ऑर्डर में लगा सकते हैं, पोस्ट ऑर्डर के लिए बस आपको यहाँ पे राइट के बाद इसको लगा देना है, तो वो आपको मिल जाएगा लेफ्ट राइट एंड देन पेरेंट, वो हो जाता है पोस्ट ऑर्डर सर्च। तो आप तीनों में से किसी को भी लगा सकते हैं, इट डजंट मैटर, आपको रिजल्ट हर बार सेम ही मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ सारे नोड्स ट्रैवर्स कराने हैं, डजंट मैटर कि आप कौन से सर्चिंग या फिर आप किस ट्रैवर्सल से लगाते हैं, इससे मतलब नहीं पड़ता है। आपको बस पहले वाले ट्री के सारे एलिमेंट्स को लेते चलना है, सारे एलिमेंट्स के लिए सेकेंड ट्री में सारे एलिमेंट्स को सर्च कर लेना है कि क्या उन दोनों की वैल्यू इक्वल पड़ती है। अगर इक्वल उन दोनों की वैल्यू गिवन वैल्यू की इक्वल पड़ती है सम करके, तो आप उसको अपेंड करा लेंगे, अदरवाइज हम उसको लीव कर देंगे। इसको लगाने के बाद आपके पेयर्स में अपेंड होते जा रहे, तो आपको फाइनली पेयर्स मिल जाएंगी। आप पेयर्स को प्रिंट करा लीजिए अगर आप चाहे तो, अदरवाइज हमें रिक्वायरमेंट है लेंथ की, तो लेंथ ऑफ पेयर्स को आप रिटर्न करा दीजिए, तो वो लिस्ट में जितनी पेयर्स डल रही हैं उतनी पेयर्स आपको मिल जाएंगी। तो ये ऊपर एग्जाम्पल में जो दो सर्च ट्रीज दिए थे उन्हीं को मैंने क्रिएट किया हूँ यहाँ पे, वही इंसर्ट फंक्शन लगा के ऊपर वाले सर्च ट्रीज को ही क्रिएट किया है। इन दोनों के ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है कि दोनों ट्रीज कैसे, दोनों ट्रीज में क्या क्या एलिमेंट है वो देखने के लिए इन ऑर्डर ट्रेवर्सल किया है। और आपको काउंट पेयर्स लगा दिया यहाँ पे, वो जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया था वो, दोनों ट्रीज और कितनी किस वैल्यू के लिए आपको सम सर्च करना है वो लगा दिया 16। तो आप देख सकते हैं 11516 आ जाता है, 10616 आ जाता है, 8816 आ जाता है। करेगा कैसे ये सर्च, तो ये पहली पेयर के लिए मैं बता दे रहा हूँ, 5 जो है आपकी वैल्यू, हमने पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से उसने लिस्ट निकाल ली, 2 के लिए उसको कुछ नहीं मिलेगा, 3 के लिए उसको कुछ नहीं मिलेगा, 4 के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो 5 पे आया। 5 पे आने के बाद उसने अभी नोड 1 5 की वैल्यू पकड़ ली है, इसके बाद वो सेकेंड ट्री के ऊपर इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाएगा। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में वो 5 के साथ 3 को चेक कर लेगा, नहीं हो रहा है, 6 को चेक करेगा, नहीं हो रहा है, 8 को चेक कर रहा है, नहीं हो रहा है, 10 को चेक कर रहा है, नहीं हो रहा है, 11 को चेक कर रहा है, हो रहा है, 11 को ऐड कर देगा, बाकी के भी नोड्स को ट्रेवर्स करेगा। 11 को होने के बाद 15 और 18 पे भी चेक करेगा। तो इससे अगर मान लीजिए कोई रिपीटेड या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज आती है आपके ट्रीज में, तो वो भी एज पेयर काउंट हो जाएंगी। तो आपके क्वेश्चन का जो गिवर रिक्वायरमेंट है कि आपको डुप्लीकेट पेयर्स चाहिए हैं कि नहीं चाहिए, उसके हिसाब से आपको फंक्शन को अल्टर करना पड़ेगा। अदरवाइज अभी जो गिवन टास्क था कि आपको सिर्फ नंबर ऑफ पेयर्स काउंट करने, उसके लिए इतना प्रोग्राम सफिशियंट है। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हमें मीडियन निकालना है बाइनरी सर्च ट्री का। बाइनरी सर्च ट्री का मीडियन सिंपल है कि आपको बाइनरी ट्री सर्च ट्री के एलिमेंट्स पता हो ना, और उसमें आप मीडियन निकाल लीजिए। मीडियन निकालने, किसी भी लिस्ट का मीडियन निकालने के लिए हमें सॉर्टेड वैल्यूज लगती हैं, तो सॉर्टेड वैल्यूज हमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से ही मिल जाती है। तो वही इन ऑर्डर ट्रेवर्सल वाला फंक्शन जो मैंने आपको ऊपर बताया, उसी को आप कॉल कर लीजिए
और ये अपेंड फंक्शन से आपको इनऑर्डर ट्रेवर्सल के थ्रू जितनी एलिमेंट्स है उनकी लिस्ट मिल जाएगी। उनकी लिस्ट मिल जाती है तो ये मीडियन का फंक्शन कॉल करते हैं। मीडियन निकालना हमें आता ही है कि अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज हैं तो हम लेफ्ट और राइट को, मतलब इवन नंबर ऑफ वैल्यूज है तो एक पहले की वैल्यू और एक बाद की वैल्यू, उनको लेके सम करके डिवाइड कर देंगे, उनका एवरेज निकाल लेंगे। अदरवाइज अगर ऑड एलिमेंट्स है तो हमें ऑड पोजीशन वाला चाहिए। ये क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग फॉलो करता है पाइथन, इसलिए जीरो इंडेक्सिंग के हिसाब से मैंने इंडेक्सेस निकाले हैं। आपको याद रखने वाली एक बात है कि जब भी आप मीडियन निकालने के लिए इसको इंडेक्सिंग इस तरह से करें तो इधर पे ये डबल स्लैश लगाइए। डबल स्लैश इंटीजर डिवाइड के लिए होते हैं। अगर आप सिंगल स्लैश लगाते तो वो डिवाइड करके फ्लोट वैल्यू देगा, डेसिमल वैल्यूज में रिटर्न देगा, वो इंडेक्स कंसिडर नहीं होता है। इंडेक्स के लिए इंट वैल्यूज ही चाहिए, इंटीजर वैल्यूज ही चाहिए होती, तो इंटीजर वैल्यूज के लिए आपको इंटीजर डिवाइड लगाना पड़ेगा। तो अगर आपके इसमें लेंथ निकाल लिए, ये एन एक्चुअली लेंथ है हमारी, लेंथ निकाल लिए, लेंथ लेंथ को 2 से मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा दिया। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो उसमें ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, अगर रिमाइंडर 0 बचता है मतलब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो बस लिस्ट का वही पोजीशन रिटर्न करा दिया। एन बाय 2 हो जाएगा क्योंकि आपकी लेंथ जो आती है, मान लीजिए आपकी लेंथ 9 है, लेंथ 9 है मतलब आपको मिलेगा ये फिफ्थ एलिमेंट रिटर्न कराना है। फिफ्थ एलिमेंट फोर्थ इंडेक्स पर रहेगा, फिफ्थ एलिमेंट का इंडेक्स फोर्थ रहेगा, तो आप इंटीजर डिवाइड करेंगे, 9 का इंटीजर डिवाइडेड बाय 2 आपको 4 ही मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका वो रहता है इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स की लिस्ट रहती है, जैसे मान लीजिए आपके पास 8 एलिमेंट्स हो गए, 8 एलिमेंट्स में आपको चाहिए फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट, तो फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट के लिए ये लगा दिया लेफ्ट और राइट। तो लेफ्ट और राइट का आपको इंडेक्स मिल गया, उस इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यूज है उनको ऐड करा दीजिए। ऐड कराने के लिए वही लिस्ट में इंडेक्स पास कर दिया, तो वो वैल्यू पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू वो मिल जाएगी, उसको ऐड करा के 2 से डिवाइड कर दिए, तो वो आपको मीडियन आ जाता है। मीडियन हमें निकालते आता ही है, फिर भी बता दिया शॉर्ट में। मीडियन निकालने ये फाइनल फंक्शन है जिसको कॉल करना है हमें, मीडियन ऑफ BST। तो उसमें हमने इन ऑर्डर लिस्ट निकाल ली और इन ऑर्डर लिस्ट के ऊपर मीडियन वाला जो फंक्शन है, लिस्ट का गिवन लिस्ट का मीडियन निकालने वाला जो फंक्शन ऊपर बताया, ये फंक्शन इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, तो इसके हमें मीडियन वैल्यू मिल जाती है, मीडियन वैल्यू को हम रिटर्न करा देंगे। तो ये जैसे हमारे पास एक इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बाइनरी सर्च ट्री है, ऊपर जो बाइनरी सर्च ट्री दिखाया था सेम है। इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है तो इसका मीडियन होना चाहिए 5 और 6 के बीच में, ये 8 एलिमेंट्स का है तो इधर फोर्थ एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट का एवरेज 5 + 6 / 2, 5.5 मीडियन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री एंड रेंज L2H इंक्लूसिव, ये आप याद रखिएगा, रेंज में इंक्लूसिव दिया है। रेंज मतलब आपको जो भी रेंज दी है, रेंज का फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट भी इंक्लूड करते चलना है। इंक्लूसिव का ये मतलब होता है काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन BST दैट लाइन गिवन रेंज। तो आपकी जो कुछ भी रेंज दी है उस रेंज के अंदर आपके कितने नोड्स आते हैं वो आपको बस कैलकुलेट करना है। तो ये LH दिया है 5 to 45, और इंक्लूसिव बोला, इंक्लूसिव मतलब जो रेंज में वैल्यू दी है उसको भी आपको इंक्लूड करते चलना है। तो 5 to 45 है तो 5, 10 और 40, ये आपके 3 वैल्यूज है जो इंक्लूसिव है। अगर 50 होता तो अगर रेंज 50 तक की होती है 50 भी इंक्लूड हो जाता इस तरह से। तो कितने वैल्यूज इंक्लूड हो रहे हैं वो आपको दिखाना है, तो आउटपुट 3 है इसका, क्योंकि 5 to 45 में 5, 10, 40 तीन ही वैल्यूज आती, तो 3 आएगा। ये सिंपल ही क्वेश्चन है, वही आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके लिस्ट निकाल लेनी है, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की लिस्ट, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की लिस्ट के लिए उस पर्टिकुलर रेंज के वैल्यूज आपको करने हैं। तो ये क्या, तो लिस्ट कॉम्प्रहेंशन के थ्रू किया है आप, मतलब मैन्युअली फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं, बट वो फॉर लूप लगाना मतलब बहुत बल्की कोड हो जाता है और मतलब कोड अच्छा नहीं दिखता। अगर आपको नीट कोडिंग करनी है तो ये ऐसे आप लिस्ट कॉम्प्रहेंशन लगा सकते हैं। ये हो जाता है आई, हमारी एग्जिस्टिंग लिस्ट जो थी उसमें हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से निकाल लिए सारे एलिमेंट्स, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में वैसे ही मिल जाते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से। आप सोमन, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मेरी मिनट आवाज रुको, सर, आपने मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही है, एक्चुअली मेरी आवाज रिपीट हो रही है अभी। नहीं, वो बंद कर दिया, मेरी मेरी तरफ प्रॉब्लम था, अच्छा वो डबल एंट्री था, तो मैंने एक को म्यूट कर दिया।
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि फॉर लूप और लिस्ट कॉम्प्रेंशन में वाकई फर्क है। हाँ पाइथन में फॉर लूप लगाना जो है इट इज कंसिडर्ड अ बैड प्रैक्टिस। और हाँ फॉर लूप आप जब भी लगाते हो जब आपको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, और फॉर लूप लगाने से आपका लूप जो है आपका जो प्रोग्राम है बहुत इनएफिशिएंट हो जाता है। और मशीन लर्निंग में इनएफिशिएंसी इज ए सिन, मतलब क्राइम के बराबर होता है इनएफिशिएंसी। प्रोग्राम में जो इनएफिशिएंसी होती है फॉर वो लूप को उस टॉलरेट नहीं करते कंडीशन हैं में लगा मशीन सकते हैं लर्निंग। जहां पे हमें बहुत सारी चीजों को चेक करने नहीं पड़ते नहीं हैं, नहीं मतलब जहां पे आपको। लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन अवेलेबल नहीं है और लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन से हाँ काम नहीं होता है वहीं पे फॉर लूप लगाने का। लिस्ट क्योंकि कॉम्प्रेहेंशन हमारा जो सर पाइथन एक का या दो। कंपाइलर है, पाइथन का कंपाइलर है वो लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन जैसे कोड के लिए ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है, हाँ तो सर उसको बड़ा फटाफट एग्जीक्यूट कर देगा वो, ये ध्यान रखिएगा आप। और मशीन लर्निंग की जो प्रैक्टिस होती है उसमें प्रोग्राम की एफिशिएंसी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके। तो ये लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन का एक्चुअली मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब हो क्या रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है आई, मतलब आप जो भी एलिमेंट लिस्ट के अंदर ऐड कराना चाहते हो वो एलिमेंट कहलाएगा आपका आई। कोई भी आप दे सकते हैं, ABCD, आपको जो भी वेरिएबल देना है इट डजेंट मैटर। फॉर आई इन LS, एग्जिस्टिंग लिस्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के लिए मतलब आई में वो वैल्यू इटरेट होती रहेगी। लिस्ट में आपके जितने एलिमेंट्स हैं वो आई में पास होते जाएंगे और इस कंडीशन के लिए चेक होंगे। ये इफ स्टेटमेंट लगाए तो इसके लिए चेक होंगे, इस कंडीशन के लिए कि वो आपके गिवन रेंज में आते हैं। किंतु तो आई जो है वो लोअर रेंज के इक्वल या फिर उससे बड़ा होना चाहिए और हायर रेंज के इक्वल या फिर उससे छोटा होना चाहिए। और ये एंड ऑपरेटर लगा, मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तब वो आपकी रेंज में कहलाएगा। एंड ऑपरेटर आपका नॉर्मल एंड गेट है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो एक्सेप्ट करेगा। अगर मान लीजिए ये दोनों कंडीशन एक्सेप्ट हो जाती हैं तो जो भी सिलेक्टेड वैल्यू आई है वो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगी। तो ये लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन इस तरह से काम करता है। आप मतलब लिस्ट को बनाते समय कंडीशन दे दीजिए। इसका मतलब सिंटेक्स भी बहुत ईजी है कि आपको ब्रैकेट्स जो हैं उसके अंदर इसको डिफाइन कर देना है। नॉर्मल नॉर्मल हम जैसे इंग्लिश लिखते हैं वैसे भी आप लिख सकते हैं, तो वैसे ही लिखा है आई फॉर आई इन LS जो भी आपकी लिस्ट है, इफ मतलब एड आई फॉर ईच एलिमेंट इन लिस्ट इफ इट फॉलोज दिस कंडीशन। तो ये लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन के थ्रू आपने फाइनल लिस्ट बना ली। फाइनल लिस्ट मतलब आपके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ हमारी कंडीशन है कि वो गिवन रेंज में है कि नहीं, तो हमने जो हाई और लो की वैल्यू बना के रखी है यहाँ पे, लो की वैल्यू 5 है, हाई की वैल्यू 45 है, तो वो वैल्यू बना के रखी उस रेंज में है कि नहीं। तो 5, 10, 40 इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी कोई वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो बस, और फाइनली हमको एक्चुअली लेंथ वो चाहिए थे, कितने एलिमेंट्स है, तो कितने एलिमेंट्स वो हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ लिस्ट। तो आप लेंथ ऑफ लिस्ट को रिटर्न करा दीजिए। तो यही जो ऊपर एग्जाम्पल में मैंने ट्री दिखाया है, ये जो एग्जाम्पल में ट्री है वही ट्री क्रिएट किया यहाँ पे। और ये उसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हम इसी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को पास करेंगे अपने फंक्शन में, इन रेंज फंक्शन। इसमें लो की वैल्यू 5, हाई की वैल्यू 45। जब इसको पास करा के इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें सिंपल मिल जा रही कि ये तीन वैल्यूज जो है वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। और हमें फाइनल आउटपुट लेंथ चाहिए था, तो लेंथ हमें 3 मिल गई। नेक्स्ट हम आते हैं, रिप्लेस एवरी एलिमेंट विथ लीस्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑन इट्स राइट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इसमें ये है कि हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखा था, ये इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखा था हमें, इसमें लीस्ट ग्रेटर एलिमेंट जो भी रहेगा हमारा उससे रिप्लेस कराना है। लीस्ट ग्रेटर एलिमेंट, ये जो हमारा एरे दिया है इनपुट करने का, ये इस एरे को हमें लेके चलना है। इस एरे में लीस्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा आ रहा है उसके साइड में, तो इसको आप देख सकते हैं। अगर हम लास्ट से चालू करेंगे तो 2 आ रहा, 2 के लिए तो कुछ नहीं है, लास्ट कंडीशन के लिए हमें -1 डालना है। तो 2 के लिए -1 आ जाएगा। 2 के लिए -1 आने के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उसके लिए लीस्ट ग्रेटर एलिमेंट का कौन सा है, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट लेकिन बचे हुए एलिमेंट्स में छोटा। तो
बेसिकली ग्रेटेस्ट एलिमेंट से ही आपको रिप्लेस कराना है. तो 9 जो है, 9 के बाद 2 और माइनस होना है, तो 2 आना चाहिए इधर पे, 2. फिर 8 है, 8 के लिए आप, 8 के लिए भी आपकी वैल्यू 2 आएगी क्योंकि लीस्ट ग्रेटर है, सॉरी ग्रेटर एलिमेंट चाहिए. तो 2 तो 8 से ग्रेटर नहीं है, तो 2 नहीं आ सकता यहाँ पे. बट तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन 8 एंड लीस्ट इन दैट ऑर्डर, तो वो आ जाता है हमारा 9. 8 के लिए 9 आ जाएगा. 11 के लिए अभी 11 के लिए अभी कुछ नहीं है, 11 के लिए भी 9 आ जाएगा क्योंकि भले ही ग्रेटर एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा है बट क्योंकि यहाँ पे लिस्ट में अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो हमने ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है 9 वो कर दिया. 10 के लिए 11 आ जाएगा, 10 से बड़ा एलिमेंट वही है. और 4 के लिए भी 11 ही आना चाहिए. ये बेसिकली लेफ्ट में आपका जो भी आपका राइट साइड में जो भी ग्रेटर एलिमेंट आ रहा है उसको आपको रिप्लेस कराना है. अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो लेफ्ट राइट साइड में आपका जो भी ग्रेटर एलिमेंट है उसको करना है. जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उसके तो राइट में कुछ है ही नहीं, तो लास्ट इंडेक्स के लिए हम -1 से रिप्लेस कर देंगे. ये है उसका लॉजिक. तो इसके लिए हम वही रिप्लेस राइट एक फंक्शन बनाया है, इसको हम कॉल करेंगे रिप्लेस राइट के लिए. मैक्स राइट इज इक्वल्स टू ARR n-1, जो भी आपकी लेंथ ऑफ लिस्ट है उससे थोड़ा, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है उसको हमने मैक्स राइट में वेरिएबल के लिए स्टोर कर लिया. और -1 जो है उसको एडिट करा दिया एंड में. एंड ऑफ लिस्ट के लिए तो हमें कुछ मिल नहीं रहता, एंड ऑफ लिस्ट में -1 आना ही कंफर्म है, तो -1 हमने बाय डिफॉल्ट ऐड करा दिया. -1 ऐड करा दिया. फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, सेकंड लास्ट एलिमेंट से लेके फर्स्ट एलिमेंट तक के, सेकंड लास्ट 2 -1, क्योंकि हमें 0 तक के जाना है. जो रेंज ऑपरेटर रहता है वो लास्ट इंडेक्स को कंसिडर नहीं करता, तो इसलिए हमें -1 तक देना पड़ेगा. वो चलेगा 0 तक के ही, n-2 से 0, सेकेंड लास्ट एलिमेंट से 0 तक के चलेगा. और -1 क्योंकि डिक्रीमेंट में जा रहे हैं हम, एक एक वैल्यू कम करते जा रहे हैं, वो डिक्रीमेंट का लगा दिया. तो आपकी जो भी इसमें एक्स में सिलेक्टेड वैल्यू है, अभी आपका जो भी इंडेक्स सिलेक्टेड है उसको टेम्पररी में डाल दिया. टेम्पररी में डाल के उसको मैक्सिमम राइट वैल्यू, लेफ्ट में हम देखते चल रहे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो मैक्सिमम वैल्यू उधर डाल दी, मैक्सिमम वैल्यू हो गई. और मैक्स राइट अगर टेम्पररी वेरिएबल से बड़ा है, मैक्स राइट अगर टेम्पररी वेरिएबल से छोटा है, तो हम मैक्स राइट की वैल्यू अपडेट कर देंगे टेम्पररी वेरिएबल से. टेम्पररी वेरिएबल से अपडेट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम आपकी जो वैल्यू रिप्लेस होगी वो ग्रेटर वैल्यू से रिप्लेस होगी. तो इसको मैं किसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ. उसने एक एरे क्रिएट किया, सेम जो हमारे इनपुट एरे की लेंथ है उसी लेंथ का एक एरे क्रिएट किया. उसमें जो लास्ट पोजीशन है उसको ऐड उसकी जगह पे -1 डाल दिया. और ये जो 2 है इसको अभी करेंटली मैक्स राइट में स्टोर मैक्स राइट बना के रखा, मतलब राइट में मैक्सिमम वैल्यू अभी 2 है. वो फिर आएगा 9 के ऊपर, 9 9 की जगह 9 के 9 को उसने टेम्पररी में ले लिया. ये जो टेम्पररी में ले रहा है उसमें 9 पे आया, तो 9 के ऊपर 9 को उसने टेम्पररी में ले लिया. 9 को टेम्पररी लेके उसको मैक्स राइट वैल्यू जो है वो यहाँ पे डाल दे रहा, रिप्लेस कर दे रहा. तो मैक्स राइट वैल्यू आ गई 9. अब वो चेक करेगा क्या ये 9 करंट मैक्स राइट वैल्यू से बड़ा है. अगर ये 9 जो है वो करंट मैक्स राइट वैल्यू से बड़ा है तो हम उसको रिप्लेस करा देंगे. तो 9 अभी मैक्स राइट में आ गया. फिर वो नेक्स्ट वैल्यू 8 के ऊपर आ रहा है, तो इधर पे मैक्स राइट की वैल्यू अब 9 हो चुकी है, तो 8 को रिप्लेस करा देगा 9 से. 8 को चेक कर लिया क्या ये 9 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर 9 मैक्स राइट की वैल्यू भी 9 ही रहेगी. 11 के ऊपर आया, 11 के ऊपर भी सेम प्रोसेस किया. 11 को टेम्पररी में डाल दिया, 9 यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. उसके बाद चेक कर लिया कि क्या 11 9 से बड़ा है, हाँ 11 9 से बड़ा है, तो मैक्स राइट की वैल्यू अब 11 हो गई. तो ये जो नेक्स्ट 10 आ रहा है, 10 के लिए मैक्स राइट की वैल्यू 11 पड़ेगी, 4 के लिए मैक्स राइट की वैल्यू 11 पड़ेगी. तो इस तरह से आपको मैक्स राइट वाला एरे, मतलब राइट में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, उसका एरे आपको मिल जाता है. ये तो ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि बाइनरी सर्च ट्री का है, आई थिंक ये लिस्ट का ही ज्यादा क्वेश्चन है. बट क्योंकि वो दिया था इसी मॉड्यूल में दिया है, तो इसलिए सॉल्व किया है. अदरवाइज
अकॉर्डिंग टू मी ये लिस्ट का क्वेश्चन है. फिर गिवन एन अपॉइंटमेंट्स फाइंड कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट. हमारे पास अपॉइंटमेंट्स दी है, उसमें से कौन सी अपॉइंटमेंट्स ऐसी है जो ओवरलैप कर रही है, मतलब दो अपॉइंटमेंट्स एक एक ही टाइम पे आ जा रही हैं, वो हमें पता लगाना है. कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट्स सेम डिजिट के लिए हम नहीं देखेंगे, मतलब मान लीजिए टू टू थ्री, ये जो अपॉइंटमेंट है वो टू टू थ्री चल रही है ये वाली अपॉइंटमेंट, और ये वाली अपॉइंटमेंट थ्री टू सेवन, थ्री टू सिक्स चल रही है, तो हम इसको कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं मानेंगे कि टू टू थ्री में खत्म हो गया, थ्री टू सिक्स चल रहा है इस, ये कॉन्फ्लिक्ट. सर आई थिंक आपका माइक फिर से स्टार्ट हो गया, मेरी आवाज फिर से रिपीट हो रही थी. हाँ, मेरे को इसमें यह बोलना था कि आउटलुक के लिए भी यही, मतलब मोर और लेस यही एल्गोरिदम है, मतलब सिमिलर कोई एल्गोरिदम माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक में भी लगाया होगा. तो बस आपको कॉन्फ्लिक्ट्स देखना कि आपके कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ आ रहे हैं. तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट है वो थ्री टू सिक्स चल रही है, और ये जो उसके बाद वाली अपॉइंटमेंट है वो फाइव टू सेवन चल रही है. तो थ्री टू सिक्स चलना था इसको, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट अपॉइंटमेंट सिक्स या फिर उसके बाद होनी चाहिए, बट क्योंकि ये फाइव टू सिक्स जा रही है तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट है. और वैसे ही हमारे पास ये फर्स्ट वाली अपॉइंटमेंट है वो फोर टू फाइव चल रही है, और एक और अपॉइंटमेंट है जो थ्री टू सिक्स चल रही है, तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट्स हैं. कि अगर आप फोर टू फाइव कुछ काम कर रहे हैं, फोर टू फाइव कुछ काम कर रहे हैं, तो आप ये वाली अपॉइंटमेंट को हैंडल नहीं कर सकते, और इन जनरल केस आपकी ये वाली अपॉइंटमेंट 3 बजे चालू हो रही है, ये जो अपॉइंटमेंट है वो 3 बजे चालू हो रही है, तो आप फोर फोर पी एम पे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे. तो इस तरह हमें कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट्स निकालनी है. ये क्वेश्चन भी एक्चुअली लिस्ट के थ्रू ही सॉल्व हो जा रहा है. तो हमने अपॉइंटमेंट्स को एक तो पहले सॉर्ट कर लिया, ये हम लोग अपॉइंटमेंट्स जो है वो ऐसे लिस्ट बना के दे रहे हैं. तो ये जो नहीं, पर तुम लिस्ट के थ्रू सॉर्ट कर रहे हो, तो ऐसा तो नहीं कि बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री से सॉर्ट के बनाओगे तो उसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम आएगा? लिस्ट से नहीं सॉर्ट सर, तो हो रहा है, चाहे नहीं सर, सॉल्व तो हो मतलब रहा है, पर हो सकता है बाइनरी ट्री से, इस बाइनरी सर्च ट्री से इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम आए हो. नहीं सर, पर बाइनरी सर्च ट्री से करना, बाइनरी सर्च ट्री से करना कैसे वो ही नहीं पता है ना. तो इसका कुछ मिल नहीं रहा है क्या नेट के ऊपर? अच्छा नहीं सर, नेट के ठीक ऊपर है, नहीं मिला. नेट के ऊपर भी जितने सॉल्यूशन सर्च किए मैंने सब लिस्ट के थ्रू ही सॉल्व होते हैं. ठीक है ठीक. और इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन है ये मतलब इसका वो नहीं है, मतलब सबमिशन पेज नहीं है, ये डायरेक्ट गीक्स फॉर गीक्स का वेबसाइट का ही पेज खुला था, तो ठीक है उसके ठीक ऊपर भी ये लिस्ट वाला ही सॉल्यूशन है. है, चलो गो अहेड. हमें हमारे पास इस तरह लिस्ट में वैल्यूज आ रही हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट्स जो भी हैं वो अपॉइंटमेंट्स की एक लिस्ट है, और जो सब लिस्ट है वो अपॉइंटमेंट का टाइम बता रही है. तो ये एक अपॉइंटमेंट फोर टू फाइव की है, टू टू थ्री की अपॉइंटमेंट है, थ्री टू सिक्स की अपॉइंटमेंट है. तो ये हमें अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट मिलती है, इसमें हमें कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट्स बतानी है. तो कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए हम क्या कर ले, पहले तो अपॉइंटमेंट्स को सॉर्ट कर ले रहे हैं कैसे, उसकी स्टार्टिंग से. आपकी अपॉइंटमेंट स्टार्ट कितने बजे हो रही, तो ऑब्वियस बात है आपका अपॉइंटमेंट में जो स्टार्टिंग पॉइंट दिया होगा वो आपका हो जाएगा. तो हम जो सॉर्ट कर रहे हैं वो उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं. सॉर्ट में इंटरनली की रहता है, तो की आप पास कर रहे हैं, और लैम्डा ऑपरेटर के थ्रू एक्स का जीरो कर दिया, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं. लैम्डा ऑपरेटर इसलिए रहता है ताकि आप सारे एलिमेंट्स को कंसिडर कर पाए, सारे एलिमेंट्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्योंकि अंदर सब लिस्ट है, तो आपको लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, दो लेवल पे आपको आना है. नेस्टेड लिस्ट है तो आपको सेकंड लेवल पे आना है, लिस्ट के अंदर की जो लिस्ट है उसका जीरोथ एलिमेंट. तो वो लैम्डा ऑपरेटर से आपने सबके जीरोथ एलिमेंट निकाल लिए, और उसको की लेते हुए आपने सॉर्ट लगाया है, सॉर्टिंग लगाई है. तो आपकी जितनी अपॉइंटमेंट्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई, पहले कौन सी आ रही, बाद में कौन सी आ रही. इसका मतलब सॉर्ट करने वाला असेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा, पहले टू टू थ्री वाली अपॉइंटमेंट, क्योंकि हम जीरोथ की को पकड़ रहे हैं, मतलब फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग ऑफ अपॉइंटमेंट को पकड़ रहे हैं. तो टू टू थ्री आ जाएगी, उसके बाद थ्री टू सिक्स आ जाएगी, उसके बाद फोर टू फाइव आएगी, देन फाइव टू सेवन एंड सेवन टू एट. ये हमारा सॉर्टेड ऑर्डर हो जाएगा अपॉइंटमेंट्स का. इसके बाद हमने कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए एक लिस्ट बना दी, एम्प्टी लिस्ट बना दी, कि इसमें जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट्स है उसको हम स्टोर करते चलेंगे. और फिर फॉर आई इन
इन्यूमरेट अपॉइंटमेंट्स, तो ये रेंज और आपके वेरिएबल की वैल्यू दोनों को लेके चलेगा, रेंज और वेरिएबल की वैल्यू दोनों को लेके चलेगा। तो उससे आपका क्या रहेगा, आई इन ए एंड सेकेंड फॉर आई टू इन रेंज i+1 टू लेंथ अपॉइंटमेंट्स, मतलब इन सिंपल आप इस तरह से काम कर रहे हैं, आपने पहली अपॉइंटमेंट पकड़ी, ये जो सॉर्टेड ऑर्डर आपके पास आएगा, सॉर्टेड ऑर्डर में पहले टू टू थ्री आएगा, टू थ्री को पकड़ा, टू थ्री को पकड़ के सारी अपॉइंटमेंट्स के साथ चेक करते चलना आपको कि कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं। अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो हम उस केस को अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट वाली लिस्ट है उसमें अपेंड कराते चल रहे हैं। ये देखिए ये अपेंड कराते चल रहे हैं, तो हम लोग बस इतना देख ले रहे हैं हमारी अपॉइंटमेंट जब खत्म हो रही है, क्या नेक्स्ट नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो खत्म होने से पहले ही स्टार्ट हो रही है क्या, हमारी जो जो फर्स्ट पोजीशन है वो अपॉइंटमेंट का खत्म होने का टाइम बताती है, तो क्या हमारी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो खत्म होने से पहले स्टार्ट हो रही है क्या, अगर ऐसा हो रहा है तो हम उसको कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। तो ये जो इन्यूमरेट है वो अपॉइंटमेंट का वो गिवन इंडेक्स, जो भी आपका इंडेक्स चल रहा होगा उस इंडेक्स का जो भी एलिमेंट है, जैसे अगर मान लीजिए आपका जीरो इंडेक्स चल रहा है तो टू टू थ्री वाला पहले आता है, तो टू टू थ्री वाले टू टू थ्री वाली पूरी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, पूरा जो एलिमेंट है उसको ए को असाइन कर देगा, वो आपको ए को असाइन, तो ए अभी सब लिस्ट है और उसमें कर दिया बी। अगर आपको इतना ज्यादा भी नहीं, इन्यूमरेट वाला फंक्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं फॉर ए इन इन्यूमरेट अपॉइंटमेंट्स, बट एक्चुअली हमें यहाँ इंडेक्सिंग भी चाहिए, तो इंडेक्सिंग और एलिमेंट दोनों को अगर आपको निकालना है तो आपको इन्यूमरेट लगाना पड़ेगा। और आई टू जो है हमारा मतलब नेक्स्ट इंडेक्स है, नेक्स्ट इंडेक्स को हम लोग i+1 मतलब गिवन इंडेक्स के बाद वाले सारे वैल्यूज उसके लिए चला रहे हैं, लेंथ ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब एंड लास्ट की अपॉइंटमेंट तक के, हमने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया, तो आपको पीछे की अपॉइंटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देख सकते हैं। वही ए और बी में अब हमारी दोनों अपॉइंटमेंट्स आ गई जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं, ए की एंडिंग अगर बी की स्टार्टिंग से बड़ी है, ए की एंडिंग अगर बी की स्टार्टिंग से बड़ी है, मतलब ए बाद में एंड हो रहा है और बी पहले ही चालू हो जा रहा है, इसका ये मतलब होता है, ए की एंडिंग अगर बी की स्टार्टिंग से बड़ी है तो हम इसको अपेंड करा चलेंगे, अदरवाइज ए की एंडिंग अगर बी की स्टार्टिंग से छोटी है, इसका मतलब ए ए वाली अपॉइंटमेंट पहले ही खत्म हो गई उसके बाद बी चालू है, इक्वल के केस को भी हम नॉन कॉन्फ्लिक्ट में ले ले रहे हैं अभी। तो हम सिर्फ वो जिनमें ए की एंडिंग बी के स्टार्टिंग से बड़ी है उसको हम अपेंड करा चलेंगे, तो लास्ट में हमें कॉन्फ्लिक्ट की लिस्ट मिल जाती है, उसी हम लिस्ट को रिटर्न करा दे रहे हैं। आप इस फंक्शन को कॉल करिए, तो हमने जैसे लिस्ट थी वो पास करी, उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको ये दो कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं, तो ये जो 3 to 6 वाली है वो 4 to 5 के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है और 5 to 7 के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, ये ऊपर विजुअलाइजेशन में भी आप देख सकते हैं, 3 to 6 वाली जो अपॉइंटमेंट है वो 4 5 के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, 4 5 के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है और 5 to 7 वाले के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो हमें कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट्स मिल गई। अब वो एक्चुअली आपको इसका ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाले एरे का रिटर्न टाइप है वो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि आपको नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट्स चाहिए या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग अपॉइंटमेंट्स प्रिंट करानी है, तो वो आपको लिस्ट में चाहिए, ट्यूपल में चाहिए, सेट में चाहिए, वो आपका रिटर्न टाइप कैसा रहेगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन ऑनलाइन हैकेथॉन वगैरह में हैं या फिर इंटरव्यू देते समय आप कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आपको रिटर्न टाइप कैसा चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, अदरवाइज आपको अगर पेन पेपर पे करना है या फिर सिर्फ फंक्शन प्रोग्राम को सॉल्व करना है तो इतना सफिशियंट है, अदरवाइज आपको चेंजेस सिर्फ उसी के रिस्पेक्ट में करना है कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए है। फिर हमारे पास एक एरे है जिसमें ट्री का जो है वो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है, अभी ये जो एरे हमारा है ये क्वेश्चन एरे का ही, लेकिन हमारे पास जो एरे में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक ट्री के प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में है, उसको हमें पोस्ट ऑर्डर में प्रिंट कराना है, हमें पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है उससे प्री ऑर्डर से। तो इसके लिए सिंपल है, आप पहले तो प्री ऑर्डर से बना लीजिए ट्री, जो हमारा पास प्री ऑर्डर है बना लीजिए, ये सबसे सिंपल मेथड है कि
कि आपके पास जो भी प्री ऑर्डर दिया है क्वेश्चन में उससे आप ट्री बनाइए। तो हमने नोड जो उसका जीरोथ एलिमेंट था, फर्स्ट प्री ऑर्डर क्या रहता है, पेरेंट लेफ्ट एंड राइट, तो फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट नोड जो होगा वो आपका रूट नोड ही होगा, रूट नोड होगा। तो पहला नोड हमने क्रिएट कर दिया, उसको निकाल दिया और बचे उसको एक लूप लगा के इंसर्ट करा दिया, इंसर्ट करा दिया। तो जितने भी आपके प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में आ रहे हैं एलिमेंट्स वो आपके रूट में इंसर्ट हो जाएंगे, वो इंसर्ट हो गए। तो उसके बाद हमने निकाल, उसके बाद हमने जो है वो पोस्ट ऑर्डर फंक्शन को कॉल किया। पोस्ट ऑर्डर फंक्शन क्या करेगा, उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल करेगा। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल जैसा हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल था वैसा ही है, बस हम लोग वहाँ पे पहले लेफ्ट पे जाके फिर उसके बाद रूट वैल्यू के ऊपर काम कर रहे थे, फिर राइट पे जा रहे थे। अभी हमें लेफ्ट और राइट दोनों को पहले कर लेना है। पोस्ट ऑर्डर रहता है लेफ्ट राइट एंड देन पेरेंट। तो हमने पहले पोस्ट ऑर्डर को लेफ्ट साइड में कॉल कर लिया, फिर पोस्ट ऑर्डर को राइट साइड में कॉल कर लिया, एंड एट दी एंड जो हमारा पेरेंट नोड है, मतलब जिस भी नोड के ऊपर हम काम कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर उसको कॉल करके प्रिंट करा लिया बस। तो पोस्ट ऑर्डर इस तरह से काम करता है। अगर आप यही प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ से निकाल के ऊपर टॉप में लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, तो आपका प्री ऑर्डर बन जाएगा। अगर आप यहाँ मिडिल में लगा देंगे, लेफ्ट और राइट के मिडिल में लगाएं, तो आपको इन ऑर्डर मिल जाएगा। तो बस सिंपल है यही, आपने ट्री बना दिया, ट्री के ऊपर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल रन करा दीजिए, तो आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल मिल जाता है। आपको अगर लिस्ट चाहिए तो लिस्ट के फॉर्म में इसको स्टोर कर लीजिए। यहाँ पे बस आपको एक लिस्ट इनपुट एट्रीब्यूट और बनाना पड़ेगा, रूट के साथ यहाँ पे लिस्ट और करना पड़ेगा, एक लिस्ट पास करानी पड़ेगी। लिस्ट पास कराएंगे तो आपको रिकर्शन में भी वो लिस्ट को ऐड कराना पड़ेगा। ये रिकर्शन स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं उसमें भी आप सेम लिस्ट को कॉल कर देंगे, और यहाँ पे प्रिंट कराने के बजाय उसमें लिस्ट में अपेंड करा देना है। सिंपल, आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैंने जो क्वेश्चन लिया है इसको हम देखते हैं, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल से बनाएंगे तो पहले 40 जाएगा प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में, फिर 30 जाएगा, 28 जाएगा, फिर पेरेंट लेफ्ट राइट, तो फिर उसके बाद आपका 35 जाएगा। इंसर्ट कराने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्री ऑर्डर से भी अगर हम इंसर्ट कराते हैं तो 40 हम ऑलरेडी रूट नोड बना चुके हैं, 40 प्री ऑर्डर का फर्स्ट एलिमेंट वैसे रूट नोड रहता है, तो आपका 40 रूट नोड बन जाएगा आपका। फिर लेफ्ट में डालेगा वो 30 को, फिर 28 आया, 28 आपका जुड़ जाएगा, फिर 35 आता है तो 35 40 से कम है तो इस साइड आएगा, 30 से ज़्यादा है तो राइट में आ जाएगा, 35 इधर आ गया। नेक्स्ट आता है 45, 45 40 के बाद आएगा, 45 फिर उसके बाद आता है 41, 41 40 से बड़ा है बट 45 से कम है, इस पोजीशन पे आता है, और इन 55 फाइनली राइट मोस्ट एलिमेंट। सेम ऊपर जो एग्जांपल में ट्री दिया था उसी का प्री ऑर्डर को प्रिंट कराया है। ये प्री ऑर्डर प्रिंट करा के हो गया तो हमने पोस्ट फंक्शन को कॉल करा दिया, फंक्शन को कॉल करा दिया तो आपको पोस्ट ऑर्डर मिल जाता है। पोस्ट ऑर्डर को देख लेते हैं, पोस्ट ऑर्डर कैसा रहेगा आपका, लेफ्ट राइट पेरेंट, तो हमारे पास 40 से नीचे आते लेफ्ट मोस्ट आते हैं, 28, 35, 30, फिर उसके बाद वो ऑलरेडी 40 के लिए कॉल हो चुका है, 40 के कॉल में 30 पे आए, 30 के कॉल में 28 पे आए, 28 के बाद वो 35 पे गया, तो 28, 35, 30, फिर 41, इसका राइट लेफ्ट हो गया राइट 40 के लिए, तो 41, 55, 45 एंड लास्ट में 40, ये आ गया 28, 35, 30, 41, 55, 45, 40, ये हमें मिल जाता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। नेक्स्ट है, गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री पॉजिटिव वैल्यूज ग्रेटर देन 0, हमें इसमें डेड एंड निकालना है। हमारे पास यहाँ दो कंस्टेंट्स हैं, एक सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 0 से बड़े हैं, 0 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दूसरी बात आपके ट्री में यूनिक एलिमेंट्स ही रहेंगे, यूनिक मतलब कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, और हमें डेड एंड देखना कि ऐसी कोई कंडीशन आती है क्या जहाँ पे हम और किसी एक लीफ नोड के ऊपर और नोड अपेंड ना करा सकें। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ट्री दिया उसके ऊपर दो एक्चुअली ऐसे नोड आते हैं जिनको हम डेड एंड ले सकते हैं, 8 हो गया, 7 हो गया। 7 के राइट में आपको 7 से बड़ी वैल्यू ऐड करानी है, तो 7 के राइट में आपको 7 से बड़ी, और इसका इन ऑर्डर सक्सेसर है 8, मतलब आपको 7 से बड़ी और 8 से छोटी वैल्यू ऐड करानी है,
तो यहाँ पे तो ऐसी कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बनती ही नहीं है जो कि 7 और 8 के बीच में आ सके। 7 और 8 के बीच में डेसिमल वैल्यूज आएंगी, इंटीजर वैल्यू तो आएगी नहीं। तो यहाँ एक आपका डेड एंड हो गया, मतलब 7 के बाद आप कुछ ऐड नहीं करा सकते। वैसे इधर 8 9 8 9 10 में आते, तो 9 में अगर आपको ऐड करा है तो 9 से छोटा या फिर 9 से बड़ा, और 9 से बड़ा भी कैसे है? तो 10 से छोटा होना चाहिए। तो 9 से छोटा और 8 से बड़ा, ऐसा आपके पास कोई कंडीशन नहीं बन रही है, और 9 से बड़ा और 10 से छोटा ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं बन रही, तो ये 9 भी डेड एंड है। 2 में आप ऑब्वियसली 1 ऐड कर, 1 नीचे डाल सकते हैं, 1 पॉसिबल है। 13 में भी यहाँ पे 11 नहीं, तो 11 12 और 13 के राइट में भी 14 एंड ऑनवर्ड्स पॉसिबल है। तो ये 2 और 13 तो डेड एंड नहीं है, 7 और 9 आपके डेड एंड आते हैं। मतलब गिवन द कंडीशन, आप उसमें हमारी जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें कोई भी नोड को ऐड नहीं करा सकते। तो वही हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या इसमें डेड एंड एग्जिस्ट करता है। तो क्या ये डेड एंड एग्जिस्ट करता है, तो हम सिंपल चेक कर देख सकते हैं कि आप कोई भी सिलेक्टेड नोड पे जाते हैं जिसमें कोई एम्प्टी मतलब है, एम्प्टी लेफ्ट या फिर राइट दोनों में से कुछ एक एम्प्टी है। जैसे 7 के लिए राइट साइड एम्प्टी है, तो आप 7 पे गए, राइट साइड एम्प्टी है, तो वो आपने चेक कर लेगी, हाँ यहाँ राइट साइड एम्प्टी, यहाँ पे हम डाल सकते हैं कोई वैल्यू, पॉसिबल पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे कोई वैल्यू डाल सकते हैं। अब हम चेक कर रहे हैं क्या वो 7 से बड़ा, और उसका जो इन ऑर्डर सक्सेसर है अभी करेंटली जो इन ऑर्डर सक्सेसर है वो 8 आएगा 7 का। तो आपकी जो नोड वैल्यू है वो और इन ऑर्डर सक्सेसर, उन दोनों के बीच में कोई पॉसिबल वैल्यूज आती हैं क्या? हमारे गिवन कंडीशन के हिसाब से कोई पॉसिबल वैल्यूज है क्या? अगर पॉसिबल वैल्यूज है तो हाँ आप वहाँ पे अपॉइंट कर सकते, वो डेड एंड नहीं कहलाएगा। जैसे 2 के लिए आप देख सकते हैं, 2 के लिए इन ऑर्डर सक्सेसर 7 है, इधर लेफ्ट भी खाली है राइट भी खाली है। आप लेफ्ट में देख सकते हैं कि इन ऑर्डर सक्सेसर, हाँ 0 आपकी लिमिट है और 2 से छोटा लेना है, तो 1 पॉसिबल है, 1 डाल दिया। 2 के लिए इन ऑर्डर सक्सेसर अगर आप देखते हैं तो 2 2 2 के लिए इन ऑर्डर सक्सेसर 7 आता है और राइट भी खाली है, तो 2 2 7 के बीच में 3 4 5 6 4 आपके पास पॉसिबिलिटीज, तो हाँ आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप यहाँ पे भी ऐड करा सकते हैं। ये डेड एंड नहीं है, 2 इज नॉट अ डेड एंड बट 7 इज डेड एंड। इस तरह से आपको चेक करना है। तो हम लोग ने यहाँ पे 2 सेट कंसिडर किए हैं, ऑल नोड्स का एक सेट है कि आपके सारे नोड्स आ जाएं उसमें, और लीफ नोड्स का सेट है। लीफ नोड्स वो मतलब जिनमें या तो राइट खाली है या तो लेफ्ट खाली है या फिर दोनों ही खाली है। जनरली हम लोग लीफ नोड में उसको कंसिडर करें, लीफ नोड में राइट और लेफ्ट दोनों खाली होना चाहिए, बट हम लोग लीफ नोड में यहाँ उसको भी लेते चलेंगे जिसका सिंगल इधर लेफ्ट और राइट दोनों में से अगर कोई एक खाली है तो उसको भी हम कंसिडर कर लेंगे लीफ नोड में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो इनको ग्लोबल बना के रखा है, ग्लोबल मतलब इनकी वैल्यूज आउटसाइड द फंक्शन भी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इसको ग्लोबल नहीं बनाते तो इनकी वैल्यूज फंक्शन फंक्शन खत्म होने के बाद इनकी वैल्यूज खत्म हो जाती हैं। ग्लोबल बना देने से उनकी वैल्यूज फंक्शन के बाहर भी एग्जिस्ट करती हैं, उसका स्कोप रहता है। जो आपके नॉर्मल आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स बनाते हैं वो लोकल स्कोप में रहते हैं, मतलब फंक्शन एक बार एग्जीक्यूट हो गया फिर आपकी मेमोरी क्लियर हो जाती है। ग्लोबल स्कोप में आपकी मेमोरी क्लियर नहीं होती, ग्लोबल स्कोप में वो वेरिएबल्स एग्जिस्ट करते हैं फंक्शन खत्म होने के बाद भी। तो ये हमने फंक्शन बना दिया, उसमें ऑल नोड्स को भी ग्लोबल लिया, लीफ नोड्स को भी ग्लोबल लिया, तो मतलब आप इसमें जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑल थ्रू आउट रहेंगे फंक्शन खत्म होने के बाद भी। ये आपको जनरली जहां आप रिकर्जन लगा रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपको अपडेटेड वैल्यूज मिलती जाए, अपडेट होता रहे आपका फंक्शन, तो उस केस में आप ग्लोबल कीवर्ड है उसको आप लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे सर्च करना है, ये स्टोर नोड्स का फंक्शन है, ये आपके सारे जो नोड्स हैं उनको स्टोर करता चलेगा, एक ऑल नोड्स वाले में और एक लीफ नोड्स वाले में। तो ऑल नोड्स में तो आपको सारी ही वैल्यू स्टोर करनी है, ऑल नोड्स के लिए हमने ये लगा दिया, जो सेट रहता है सेट के लिए ऐड मेथड रहती है, लिस्ट के लिए अपेंड रहती है, हम लोग सेट कर रहे हैं तो सेट के लिए ऐड मेथड रहती है, तो वो ऐड कर दी हमने रूट की वैल्यू। और फिर लीफ नोड चेक कर लिया, लीफ नोड की कंडीशन रहती है लेफ्ट और राइट जो है वो नन रहे तो वो लीफ नोड कहलाता है, अगर ऐसा कोई नोड आता है तो उसको लीफ नोड में ऐड करा दिया। यहाँ पे इन दोनों को स्टोर करा दिया, और उसके बाद एक बार लेफ्ट पे कॉल कर रहे, एक बार राइट पे कॉल कर रहे, ताकि आपका लेफ्ट का भी सबट्री कंसिडर हो जाए, राइट का भी सबट्री कंसिडर हो जाए। ये रिकर्जन कॉल इसलिए लगाना पड़ा ताकि आपका लेफ्ट और राइट दोनों में हो जाए। तो
इससे आपके सारे जितने नोड्स हैं उनकी वैल्यू स्टोर हो गई। नोड्स की वैल्यू स्टोर होने के बाद अब हम चेक कर रहे हैं क्या डेड एंड है कि नहीं। तो हमने वापस से जितने ऑल नोड्स हैं, लीफ नोड्स हैं, उनको कंसिडर कर कॉल कर लिया है। और अगर रूट नन है, मतलब जिस भी लूप के लिए, जिस भी ट्री के लिए आप कंसिडर कर रहे हैं, अगर वो एम्प्टी ट्री है तो कुछ कर नहीं सकते हम। बट अगर आपका ट्री एम्प्टी नहीं है तो आप कर सकते हैं। अगर आपका BST सिंगल वैल्यू पे चल रहा है, मतलब एक ही वैल्यू है उसमें, तो आपको एक्चुअली जीरो ऐड कराना पड़ेगा। जीरो सिर्फ इसलिए ताकि खाली अगर लोड एम्प्टी है तो आपको पता रहना चाहिए कि आप जीरो वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं। वन के लिए आपके पास पॉसिबल वैल्यू सिर्फ जीरो रहती है, और जीरो आपको आपको इंक्लूड नहीं करना है, जीरो नॉट इंक्लूडेड है। वन वन या फिर उससे बड़ी वैल्यूज के लिए करना है। तो ये ऑल नोड्स में हमने जीरो करा दिया इन केस ऑफ वैल्यू वन, अदरवाइज आपका जो स्टोर नोड्स है उसको हमने कॉल किया था। आपके जितने नोड्स हैं ऊपर, हम मैंने फंक्शन बताया था स्टोर नोड्स वाला, यही सारे नोड्स को स्टोर करा चलेगा। तो वो लीफ नोड भी क्रिएट, लीफ वाले नोड्स भी क्रिएट स्टोर कर लेगा, ऑल नोड्स भी स्टोर कर लेगा। आपके सारे नोड स्टोर हो जाएंगे और लीफ नोड की आपको एक अलग से सेट मिल जाएगा। तो हम लीफ नोड के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा लीफ नोड है उसी के ऊपर हम ऐड कराएंगे, इधर लेफ्ट और राइट वहीं पे ऐड कराएंगे। तो हम लोग चेक करा रहे थे क्या उसके एक पहले की वैल्यू और एक बाद की वैल्यू ऑल नोड्स में एग्जिस्ट करती है क्या। अगर वो ऑल नोड्स में एग्जिस्ट करती है तो हम ऐड नहीं करा सकते। अगर ऑल नोड्स में एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम ऐड करा सकते हैं, इन केस उसका डेड एंड नहीं होएगा। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक, इन दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं ऑल नोड्स में, मतलब आपका जो भी नोड है उसके एक छोटी वैल्यू और एक बड़ी वैल्यू ऑलरेडी आपके नोड में एग्जिस्ट करती, तो आप उसमें और कोई वैल्यू ऐड ही नहीं करा सकते। उस केस में उसको डेड एंड कहलाएंगे। तो यस वी फाउंड अ डेड एंड, तो वो ट्रू कराएगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको मैं एक बार इसमें भी बता देता हूँ। पहले हमने ऑल नोड्स और लीफ नोड्स का एक सेट बनाया, वो सेट बना लिया। तो मैंने एक्चुअली शुरुआत में बोल दिया था कि यहाँ सेवन में भी कंसिडर हो जाएगा, बट एक्चुअली सेवन कंसिडर नहीं करेगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक थी। पहले वो सारे नोड्स को स्टोर कराते चलेगा। आपके ऑल नोड्स में 2, 7, 8, 9, 10, 13, ये सारे नोड्स ऑल नोड्स में स्टोर हो जाएंगे। और जो आपके लीफ नोड है, लीफ नोड में 2, 9 और 13 स्टोर हो रहा है। अब वो 2, 9 और 13 के लिए चेक करेगा। चेक क्या करेगा कि 2 के लिए, अगर हम 2 को लेके चल रहे हैं तो 2 के लिए क्या 3 और 4, ये सॉरी 2 के लिए 1 और 3, क्या ये दो वैल्यू एग्जिस्ट करती है हमारे ऑल नोड्स वाले, सेट में सारे नोड्स की वैल्यूज है। तो क्या 2 के लिए 1 और 3 एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता, मतलब हम यहाँ पे 1 और 3 ऐड करा सकते हैं, तो वो डेड एंड तो नहीं है। 9 के लिए चेक करेगा क्या यहाँ पे 8 एंड 10 एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, हमें यहाँ पे 8 एंड 10 मिल तो गया, 8 एंड 10 दोनों एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करा सकते, इसका मतलब 9 डेड एंड है। 13 के लिए चेक कर लेगा, वैसे वो रिटर्न स्टेटमेंट लगा दे, तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद फंक्शन आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, वर्स्ट केस मतलब आपका सारे एलिमेंट सर्च करते हुए लास्ट में आपको आंसर मिल रहा है, वो होता है आपका वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस के लिए मान लीजिए 13 तक पहुंचे, 13 के ऊपर चेक कर लेगा कि क्या इसका 1 माइनस मतलब 12 और 1 प्लस 14 ये एग्जिस्ट करते हैं क्या। अगर नहीं करते हैं एग्जिस्ट तो ये डेड एंड नहीं है, यहाँ पे हम ऐड करा सकते हैं। अदरवाइज अगर इस ट्री में 11 इस ट्री में 12 और 14 एग्जिस्ट कर रहे होते तो 13 डेड एंड कहलाता। ये थोड़ा सा मतलब मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। अगर किसी को कोड में या फिर किस तरह से एग्जीक्यूशन हो रहा है उसमें कोई डाउट हो तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, जो मैंने एग्जाम्पल में ट्री लिया था वही ट्री यहाँ पे क्रिएट किया है। जो एग्जाम्पल में ऊपर ट्री दिखाया वही सेम ट्री है, उसके लिए हम डेड एंड चेक कर रहे हैं। तो 9 के ऊपर हमें डेड एंड मिल जाएगा, तो ये इसने ट्रू प्रिंट करा दिया। बाइनरी है, ट्रू और फॉल्स नहीं देता आंसर। अदरवाइज आपको किस आपका जो ब्रेकिंग पॉइंट है, अदरवाइज आपको बोलिए किस नोड के ऊपर डेड एंड है, तो
तो वो चेक करते समय आप उसको ऐड करा सकते हैं, अगर उसने क्वेश्चन में दिया है कि आपको वो भी ऐड कराना है कि किस नोड के ऊपर डेड एंड है, तो यहाँ पे आप रिटर्न स्टेटमेंट के पहले एक और पीछे आ सकते हैं, जो एक्स की वैल्यू है इसको भी रिटर्न करा सकते हैं, तो वो आपको पता चलेगा किस नोड के ऊपर आपको डेड एंड मिल रहा है। और अगर मल्टीपल डेड एंड्स हैं तो आपको रिटर्न ट्रू कराने की जगह उस वैल्यू को स्टोर करते चलना है, आप उन वैल्यूज को अपेंड करते चलेंगे एक एम्प्टी लिस्ट में, और उसके बाद वो लिस्ट को आप प्रिंट करा देंगे, तो वो आपको ऑल डेड एंड नोड्स मिल जाएंगे। अदरवाइज ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम था वो बाइनरी प्रॉब्लम था, वेदर डेड एंड एग्जिस्ट और नॉट, तो उसके लिए ट्रू और फॉल्स सफिशियंट है। फिर आपको बाइनरी ट्री दिया है, उसके लिए आपको लार्जेस्ट सब ट्री ढूंढना है जो कि बाइनरी सर्च ट्री हो। तो बाइनरी ट्री में जैसे हमारे बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन रहती है कि लेफ्ट में छोटी वैल्यूज रहती हैं और राइट में बड़ी वैल्यूज रहती है, तो मतलब एक तरह से ऑर्डर्ड रहता है वो, असेंडिंग ऑर्डर में रहता है, वो बाइनरी ट्री के लिए नहीं रहती है। बाइनरी ट्री में आप कहीं पे भी वैल्यूज डाल सकते हैं, आपके पास रूट वैल्यू है, उसकी राइट वैल्यू लेफ्ट वैल्यू है, आप कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हैं, डजेंट मैटर, बट बाइनरी सर्च ट्री ऑर्डर्ड में रहता है। तो हमें ऐसा पता करना है कि क्या इस बाइनरी ट्री के अंदर कोई बाइनरी सब ट्री एग्जिस्ट करता है, इसके बाइनरी ट्री के जितने भी सब ट्रीज बनेंगे उसमें से कोई क्या बाइनरी उसमें से कोई सब ट्री को क्या हम बाइनरी सर्च ट्री कंसिडर कर सकते हैं, और उसका ऐसा लार्जेस्ट सब ट्री कौन सा होगा। तो लार्जेस्ट क्योंकि हमें लार्जेस्ट सब ट्री निकाला तो हमें एक साइज फंक्शन लगेगा जो कि उसके नंबर ऑफ नोड्स को कैलकुलेट करे, लार्जेस्ट सब ट्री मतलब मोर नंबर ऑफ नोड्स, तो हम लोग एक साइज फंक्शन कॉल करेंगे, तो उससे हमें साइज ऑफ सब ट्री मिल जाएगा, तो उसमें हम रूट को कॉल करा रहे हैं। अगर रूट रूट वैल्यू ना मतलब ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रिटर्न जीरो, अदरवाइज एक बार जो आप करेंटली जिस रूट के ऊपर है उसके लिए उसका करेंटली जिस रूट के ऊपर है उसके लिए आप वन करा देंगे, और एक बार लेफ्ट पे कॉल करा के लेफ्ट पे कॉल और राइट पे कॉल करा देंगे, लेफ्ट और राइट से जितने जैसे ही आपकी नन कंडीशन आती है तो उसके लिए जीरो, अदरवाइज वन 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 ऐड होते चलेगा, तो आपको यहाँ पे फाइनली टोटल नंबर ऑफ रूट्स मिल जाएंगे। ये रिकर्जन के थ्रू एग्जीक्यूट किया प्रॉब्लम है। फिर हमें बीएसटी चेक करना है कि हमने जो भी नोड के ऊपर जा रहे हैं क्या उससे क्या वो बीएसटी है कि नहीं, तो हम उसमें नोड पास करेंगे, नोड पास करके अगर नोड नन है तो मतलब नल वैल्यू का जो होता है, अगर मान लीजिए एम्प्टी ट्री है तो एम्प्टी ट्री को हम बीएसटी कंसिडर कर लेते हैं, वो बेस केस रहता है। अदरवाइज आपको ये चेक करना है कि अभी आपने जो मिनिमम वैल्यू लेके रखी है, मिनिमम वैल्यू वो और जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है किसी नोड के लिए, नोड क्योंकि हम सब ट्री ले रहे थे, नोड का जो इन ऑर्डर सक्सेसर होगा और इन ऑर्डर प्रीडिसेसर होगा वो मिनिमम और मैक्सिमम में रहेंगे, तो अगर वो मिनिमम से बड़ा या फिर मैक्सिमम से छोटा हो जाता है, सॉरी मैक्सिमम से बड़ा या फिर मिनिमम से छोटा हो जाता है, तो उस केस में बाइनरी सब ट्री कंडीशन वो हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो वो उस केस में आपको फॉल्स रिटर्न करा देना है। अदरवाइज हम इसी को रिकर्सिवली कॉल करा है, रिकर्सिवली मतलब हम सिर्फ एक नोड के ऊपर चेक नहीं करते, पूरे ट्री को चेक करना है, पूरे ट्री के सारे नोड्स को चेक करना है, तो सारे नोड्स को चेक करने के लिए हम लोग बस नोड की जो वैल्यू है यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम कर रहे हैं, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्टिंग मिनिमम, लेफ्ट चेक करने के लिए लेफ्ट में अगर आप चेक करें तो एग्जिस्टिंग मिनिमम, और लेफ्ट के वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो नोड वैल्यू हो सकती है, तो मैक्सिमम में नोड वैल्यू, राइट में उल्टा हो जाएगा, राइट में एग्जिस्टिंग मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम में जाएगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो करेंटली एग्जिस्टिंग नोड की, तो राइट में कोई भी वैल्यू बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू नोड वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो भी आपकी मैक्सिमम सिलेक्टेड है। हम लोग स्टार्ट इन्फिनिटी से करते हैं एक्चुअली, माइनस इन्फिनिटी मिनिमम के लिए और प्लस इन्फिनिटी मैक्सिमम के लिए, ताकि मतलब सारे केसेस आपके कंसिडर हो जाएं। तो इसके लिए फिर से एक और रिकर्सिव फंक्शन बनाना पड़ेगा, फाइंड लार्जेस्ट बीएसटी, तो हम लोग यहाँ पे मैक्स साइज के ऊपर कॉल कर ले और रिटर्न साइज, तो आपका जो भी बीएसटी सिलेक्ट हो रहा है वो और उसका साइज आप देख ले रहे हैं, और उसके साइज के ऊपर ये एक और रिटर्न फंक्शन लगाया है, अगर बीएसटी नहीं है तो इसके ऊपर आएंगे तो आपको लेफ्ट में सर्च करना है और राइट में सर्च करना है, अगर आपको बीएसटी नहीं मिला तो ऑब्वियसली बात है आप एक एक लेवल नीचे जा रहे हैं अभी,
एक एक लेवल नीचे जा रहे हैं तो आपको जो मतलब साइज को स्टोर करते चलने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी ट्री मिलेगा वो आपको लार्जेस्ट ही मिलेगा, आपको जो भी पहला ट्री मिलेगा वो लार्जेस्ट ही मिलेगा, तो आपको मतलब साइज अलग से स्टोर करते चलने की जरूरत नहीं है, तो आपका जो भी सब ट्री इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है इस BST, तो उसमें हम रिटर्न करा देंगे, और उसके लिए हम मैक्स वैल्यू बस देख ले रहे हैं कि ये जो साइज रिटर्न करा रहा है तो दो जो भी सिलेक्टेड सब ट्री है उसके लिए मैक्सिमम वाला कौन सा है, तो मैक्सिमम रिटर्न होते चलेगा इसके अंदर, और जैसे ही मतलब जो भी मैक्सिमम मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू के सब ट्री का अगर BST है, मैक्सिमम वैल्यू के सब ट्री अगर BST है तो वो उसका साइज रिटर्न कर देगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एग्जाम्पल है इसका, ये तो इसमें मैक्सिमम साइज ऑफ BST निकालना है, तो ये पहले 10 से चेक करेगा, 10 से चेक करेगा तो इसका साइज निकाल लेगा, इसका साइज आ जाता है कितना, 10 + 1 + 2 = 3, और ये 4 = 7, 7 साइज का सब ट्री है। इसके बाद ये क्या कर रहा है, लेफ्ट में भी चेक कर रहा है क्या ये सब ट्री बाय, ये तो बाइनरी ट्री कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, लेफ्ट में बड़ी वैल्यू आ जा रही है, राइट में छोटी वैल्यू आ जा रही, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। नेक्स्ट हम आते हैं 15 और 8 के ऊपर, 15 और 8 को साइमल्टेनियसली चेक कर रहा है ये, 15 और 8 के ऊपर आ रहे हैं, हमने एक बार लेफ्ट में कॉल किया, एक बार राइट में कॉल किया, तो लेफ्ट में हम 15 वाले पे आ गए, राइट में हम 8 वाले पे आ गए, 15 के लिए चेक कर रहे हैं कि हाँ 12 है और इधर पे 20 है, तो इसका मतलब ये बाइनरी सब ट्री है, और मतलब हमारा बाइनरी सब ट्री है। 8 के लिए चेक कर लिया तो फॉल्स आ गया, क्योंकि 8 से 5 5 जो है वो तो छोटा है, लेकिन यहाँ पे 2 भी छोटा है, 8 के राइट में 8 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी, तो ये तो बाइनरी सब ट्री है नहीं, तो वो तो फॉल्स हो जाएगा। इन केस मान लीजिए ये दोनों के दोनों बाइनरी सब ट्री निकल जाते, तो ये मैक्सिमम फंक्शन देख रहे हैं, मैक्सिमम फंक्शन क्या करता है, रूट मैक्स साइज रूट को कॉल कर लेता, ये क्योंकि यहाँ पे रिटर्न साइज रूट हो रहा है, तो दोनों में से जो भी बड़ा है, दोनों में से जिसके भी साइज बड़ा आ रहा है उसको फाइनल रिटर्न करा देता, तो मैक्सिमम फाइनली जो बड़ा वाला सब ट्री है वो सिलेक्ट हो जाता और वो रिटर्न हो जाता। तो जो एग्जांपल में ये सब ट्री दिखा है उसी को कंस्ट्रक्ट किया है, ये सब ट्री हो जाता है हमारा, और उसके ऊपर इस फंक्शन को कॉल कर लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया तो साइज ऑफ लार्जेस्ट BST इज 3, ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं, 15 12 20, 15 12 और 20 ये आपके 3 एलिमेंट्स आ जाए, तो सबसे बड़ा BST यही है इसमें, मतलब बाइनरी सर्च ट्री यही है इस ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपके पास बाइनरी सर्च ट्री दिया है, उसको फ्लैटन करना है सॉर्टेड लिस्ट में। बाइनरी ट्री हमारा 2D में होता है, ये जो बाइनरी ट्री है उसमें दो डायमेंशन है ना, एक वर्टिकल डायमेंशन उसकी हाइट, और किसी भी पर्टिकुलर लेवल के लिए कितने एलिमेंट्स है उस पर्टिकुलर लेवल में, तो वो जाती है आपकी विड्थ, तो हाइट और विड्थ ये 2D है, इसको सिंगल वन डायमेंशन में बनाना है, वन डायमेंशन मतलब सिंपल लिस्ट, और वो लिस्ट आपकी सॉर्टेड होनी चाहिए, तो सॉर्टेड लिस्ट हमें पता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से मिल जाती है, बस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल से लिस्ट निकाल लीजिए और उसी लिस्ट को रिटर्न करा दीजिए, तो ये हो जाता है हमारा। अगर सॉर्टेड ना भी, अगर आपको ऐसे ना भी करना है, इन ऑर्डर की जगह आपको कोई और ट्रेवर्सल करना है, तो आपको एक सॉर्ट और लगाना पड़ेगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे इन ऑर्डर ना करके प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल या फिर पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से करते, तो उसको कॉल करके लिस्ट बना देते, लिस्ट के ऊपर डॉट सॉर्ट बस आपको लगाना पड़ता और कुछ नहीं, इन ऑर्डर, बट हम क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री है, हम जानते हैं कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बाय डिफॉल्ट हमें असेंडिंग ऑर्डर में देता है, सॉर्टेड लिस्ट देता है, तो आप डायरेक्ट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को ही कॉल करा दीजिए, लिस्ट जो रहेगी वो आपकी 1D वन डायमेंशन में ही रहेगी, तो आपका फ्लैट हो जाता है, मतलब फ्लैटन फंक्शन का यही काम रहता है, मल्टीपल डायमेंशन को सिंगल डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना, तो ये आपका सिंगल डायमेंशन हो जाता है और वो आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आपको वैसे ही सॉर्टेड लिस्ट देता है। तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, बाकी आज के क्वेश्चन फिनिश हो गए, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप प्लीज